दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया हुई घोषित। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे और 5 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाने वाली है। यह सीरीज कब खेली जाएगी, कितने बजे से खेली जाएगी और इस सीरीज के लिए कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ियों को चुना गया है, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि यह T20 और वनडे सीरीज टीम इंडिया जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम एक के बाद एक कई सीरीज खेलने वाली है, तो वहीं पर BCCI ने भारत की एक और सीरीज तय कर दी है। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच आगामी समय में एक बेहतरीन सीरीज खेली जाने वाली है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे और 5 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली जाने वाली है। यह सीरीज जुलाई के महीने में खेली जाने वाली है। दोस्तों अब तक इस सीरीज का शेड्यूल तो तय नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो वहीं पर दोस्तों इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच आखिरी T20 सीरीज साल 2020 में खेली गई थी, जहाँ दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मात्र 3 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 2-0 से हराया था। अब एक बार फिर से टीम इंडिया श्रीलंका को हराने के लिए तैयार है। तो वहीं पर दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली इस T20 सीरीज में टीम इंडिया के पास युवा खिलाड़ियों को मौका देने का अवसर होगा। श्रीलंका की टीम भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों की टीम के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर नजर आती है। ऐसे में टीम इंडिया में युवा खिलाड़ियों को मौका देकर परखा जा सकता है, जिससे भारतीय टीम को T20 विश्व कप में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। तो वहीं पर भारतीय टीम ओपनिंग बल्लेबाजी में भी खिलाड़ियों को परख सकती है, जहां रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग बल्लेबाजी में तय होती है, तो वहीं इनके साथ शिखर धवन और केएल राहुल में से किसे ओपनिंग में मौका दिया जाए, इस बात को लेकर हमेशा ही असमंजस रहता है। ऐसे में इस सीरीज के दौरान इन दोनों ही खिलाड़ियों को परखा जा सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि टूर्नामेंट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है। इसके अलावा मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह के साथ टी नटराजन भी इस दौरे पर जा सकते हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसके साथ ही यह सीरीज भारत में खेली जाने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसे में यह सीरीज इंग्लैंड में खेली जा सकती है, जहां भारतीय टीम जुलाई के बाद आप सभी को अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलते हुए नजर आ सकती है। तो वहीं पर दोस्तों वनडे और T20 दोनों ही फॉर्मेट में एक जैसी टीमों का चयन हो सकता है, जहां वनडे और T20 दोनों ही सीरीज में एक जैसे 15 खिलाड़ियों को चयन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं भारतीय टीम की संभावित टीम कैसी हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 सदस्यीय ओपनर बल्लेबाजों के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को ओपनिंग बल्लेबाजी में रोहित शर्मा का स्थान लगभग तय नजर आने वाला है। हाल ही में खेले गए IPL में रोहित शर्मा के द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं तो इसके अलावा T20 और वनडे क्रिकेट में भी इनके द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिलता है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ T20 विश्व कप में किसे ओपनिंग का मौका दिया जाए, इस बात पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। ऐसे में रोहित शर्मा के साथ इस सीरीज में केएल राहुल और शिखर धवन को मौका देकर परखा जा सकता है। हालांकि इसके अलावा और भी कई सीरीज भारतीय टीम खेलने वाली है, जिसमें इन दोनों ही खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को T20 विश्व कप के लिए रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम में मौका दिया जा सकता है, यानी कि ओपनिंग बल्लेबाजी का। तो वहीं पर दोस्तों इसके अलावा मध्यक्रम बल्लेबाजी को संभालने के लिए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली मौजूद होंगे, जो कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, जिसमें विराट कोहली ने एक T20 सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वहीं IPL में भी विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए थे। ऐसे में इनके द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों मध्यक्रम बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव को मौका दिया जा सकता है। श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में सूर्य कुमार यादव को टीम में मौके मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने डेब्यू किया था और इसके साथ ही IPL में भी
सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी टीम इंडिया में मौका मिलना लगभग तय है। पिछले कुछ समय से ऋषभ पंत भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा चुके हैं। ऋषभ पंत फिनिशर के रूप में भारतीय टीम में काफी ज्यादा मजबूत खिलाड़ी नजर आते हैं। वहीं दोस्तों ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में तो अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हैं, लेकिन इस सीरीज में अपनी गेंदबाजी से वह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। काफी लंबे अरसे के बाद हार्दिक पांड्या रेगुलर गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। हाल ही में आईपीएल में भी हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी नहीं की थी। ऐसे में हार्दिक पांड्या को अपनी इस कमजोरी को दूर करना होगा। वहीं इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया जा सकता है। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के टॉप ऑलराउंडर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। आईपीएल 2021 में इनके द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ विस्फोटक बल्लेबाजी भी देखने को मिली थी, जो कि भारतीय टीम को T20 और T20 विश्व कप के नजरिए से काफी ज्यादा काम आ सकती है। वहीं इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को भी टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में खेले गए आईपीएल में इनके द्वारा कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करे। वहीं स्पिनर गेंदबाज के रूप में युजवेंद्र चहल और राहुल चहर दोनों ही खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है, जिसमें युजवेंद्र चहल अनुभवी गेंदबाज होने के बावजूद भी पिछले कुछ समय से खराब प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं, तो आईपीएल 2021 में इससे पहले भी कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में इन्हें मौका देकर परखा जा सकता है। वहीं राहुल चहर को भी स्पिनर गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में हुए आईपीएल में राहुल चहर के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों इससे पहले भी इन्होंने भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं दोस्तों तेज गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम में चार विस्फोट गेंदबाजों को मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी इस सीरीज में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा सकती है। दोनों ही खिलाड़ी T20 विश्व कप के नजरिए से भारतीय टीम के लिए अहम गेंदबाजी के रोल निभा सकते हैं। वहीं मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दोनों ही खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं टी नटराजन और युवा दीपक चहर को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जा सकता है। हालांकि टी नटराजन मौजूदा समय में पूरी तरह से फिट नहीं है। दीपक चहर ने आईपीएल 2021 में चेन्नई की तरफ से खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो यह 15 सदस्यीय टीम श्रीलंका दौरे के लिए एक संतुलित टीम साबित हो सकती है। दोस्तों कुछ इस तरह से यहां पर श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की स्क्वाड हो सकती है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया जीत पाएगी? उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।